वेलकम स्टूडेंट, दिस इज योर ज्योग्राफी क्लास, क्लास 8, चैप्टर 2. टुडे वी विल डिस्कस वाटर. सो लेट्स स्टार्ट. वाटर. वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर. इट इज देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट. इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियन दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक. इवन टूडे द ओशियन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. द ओशियन वाटर इज हाउएवर स्लाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%. नियरली 70% ऑफ दिस ऑकर एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर इन अंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन. ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल. ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज. इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सर्फेस वाटर इन रिवर एंड लेक्स एंड वाटर वेपर इन द एटमोसफियर. जल. जल एक महत्वपूर्ण नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन है. भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल कहना उपयुक्त है. लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागर में ही प्रारंभ हुआ था. यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं. महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है. अलवण जल केवल 2.7% ही है. इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानदी के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है. आपकी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है. केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है. यह भूजल नदियों और झीलों के पृष्ठ जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है. फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ. वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेंस कंस्टेंट. इट्स एविडेंस ओनली सीम टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कंस्टेंट मोशन, साइकिलिंग थ्रू द ओशियन, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन. Through the processes of evaporation, precipitation and runoff, this, as you already know, is referred to as the water cycle. इसीलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है. पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है. इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है. इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वशन और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पूर्ण महासागरों में चक्रण द्वारा नियंत्रण गतिशील है. जैसे कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं. Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. Water for agriculture industry, generating electricity to reservoir of dams are the other uses. Increasing population, rising demand for food and cash crop, increasing urbanization and rising standard of living are the major factors leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of वाटर सोर्सेस और वाटर पॉल्यूशन. मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है. जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है. जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है.
problems of water availability. There is a scarcity of water in many regions of the world. Most of Africa, West Asia, South Asia, part of Western USA, Northwest Mexico, part of South America, and entire Australia are facing shortage in fresh water supply. Countries located in climate zone most susceptible to drought face great problems of water scarcity. Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over-exploitation and contamination of water sources. जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अल वर्णीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टूडे। स्टेप हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंगलिंग रिसोर्स। इवन ट्रू वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इज ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल effluent in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrate, metals and pesticides. जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुँचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के अनुपयोग बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों के औद्योगिक बहिश्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। मोस्ट ऑफ दिस केमिकल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस इन्फ्लुएंस सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन द वाटर बॉडीज। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निर्मीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिश्राव को उपयोग विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। The canal used for irrigating fields should be properly lined to minimize loss of water seepage. Sprinkle effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. In dry regions with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting this means of irrigation. वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातल प्रभावों को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रह पृष्ठीय प्रभावों को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण के से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए खेत की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा
टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट अस नो। वी विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स इन अनदर वीडियो। अगर आपको कोई संदेह है तो कृपया करके हमें बताइए। हम अगले वीडियो में आपके संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे।